अगर इस प्रकार का कलंक टीचर के द्वारा किया जाता है तो हम देश को डुबो देंगे। ये तो बहुत दंडनीय अपराध होना चाहिए, शिक्षक को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। सभी विद्यार्थियों को एक शिक्षक और छात्र की नज़र देखना चाहिए, न कि किसी धर्म के आधार पर। यूपी के मुजफ्फरनगर में स्कूली बच्चे की पिटाई का मामला गरमाया हुआ है। पहाड़ा याद नहीं करने पर बच्चे की यहाँ पर स्कूल की शिक्षिका ने दूसरे बच्चों से पिटाई करवाई है। वर्ग विशेष की बच्चे की यहाँ पर पिटाई हुई है और इसको लेकर अब लगातार लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। बिलासपुर में इसको लेकर किस तरह से आम जनता की प्रतिक्रिया है, लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं। ये मुजफ्फरनगर में जो मामला आया है स्कूली बच्चे की पिटाई का, इस पर किस तरह से आप देखते हैं, क्या कुछ प्रतिक्रिया? बहुत ही दुखद घटना नजर आई, जो एक मुजफ्फरनगर में स्कूली बच्चे को शिक्षिका के द्वारा वह धर्म विशेष के नाम पर जो पिटाई करवाई गई। पीटना पाटना स्कूल में आपस में बच्चों से पिटवाना, ये तो चलता रहता था, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं थी। हम लोग के समय में तो रोज़ की घटना होती थी, कोई इसका बुरा भी नहीं मानता था। परंतु धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, समाज के नाम पर इस प्रकार शिक्षिका ने जो भेद किया वह बड़ा दुखद है। मुझे एक घटना याद आ रही है, बाबू जगजीवन राम बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ने गए थे और लोगों ने, उनके साथ वालों ने मना कर दिया था कि हम इसके साथ नहीं बैठेंगे, इसके साथ खाएंगे नहीं। महामना मदन मोहन मालवीय जी, एक विशाल व्यक्तित्व हिंदुस्तान का, जब उन्होंने सुना तो बाबू जगजीवन राम को, जो समय बच्चे थे, 16 साल 17 साल उम्र थी उनकी, उनको अपने साथ अपने कमरे में ले आए, बाजू में उन्होंने रखा और उसको थाली अपनी साथ परस के देते थे, उसकी थाली को धोने तक ले जाते थे लोगों को दिखाने के लिए कि ये भेदभाव अगर हिंदुस्तान में तुम रखोगे तो हिंदुस्तान ख़त्म हो जाएगा। तो ये बड़प्पन तो शिक्षकों को रखना चाहिए। अगर मैडम ने, त्यागी मैडम ने वो किया, दुखद है, उसके लिए सार्वजनिक रूप से उनको माफ़ी मांगना चाहिए और एक संदेश देना चाहिए। शिक्षक हूँ, गलती हुई है मुझसे, मैं उसे स्वीकार करने को तैयार हूँ, परंतु ये होना नहीं चाहिए। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर अगर इस प्रकार का कलंक टीचर के द्वारा किया जाता है तो हम देश को डुबो देंगे। ये जो यूपी में घटना हुई है, जो स्कूली बच्चे की पिटाई हुई है, उसको लेकर किस तरह से देखते हैं आप, क्या कुछ प्रतिक्रिया? देखिए, भारत हमेशा सर्वधर्म समभाव वाला देश रहा है, सभी धर्म सभी समाज के लोग एक साथ मिलकर एक साथ पढ़ाई खेलकूद सभी विषय एक साथ किया करते हैं। जैसा मुजफ्फरपुर में हमको एक प्रकार की घटना सुनाई दे रही है, जहाँ जातिगत आधार पर यदि इस प्रकार की टिप्पणियाँ या विषय किसी के द्वारा भी किया जाए तो मुझे लगता है ये गलत है। और ख़ासकर शिक्षा के मंदिर में सभी विद्यार्थियों को एक शिक्षक और छात्र की नज़र देखना चाहिए, ना कि किसी धर्म के आधार पर। हो सकती गलती हुई होगी, पनिशमेंट भी मिलनी चाहिए, हमको भी मिलती थी, बाद में भी मिलेगी, पर यदि व्यक्ति गलत है तो उसको छात्र के हिसाब से करना चाहिए, क्योंकि धर्म के आधार पर उसे प्रताड़ित करना सही नहीं है। बिल्कुल, धर्म के आधार पर प्रताड़ित करना सही नहीं है। आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? आपने भी घटना को सुना होगा, वीडियो देखा होगा। बचपन में लोगों को एक बोलते हैं कच्चे मिट्टी की तरह होता है, जिस प्रकार से उनको ढाला जाएगा उस प्रकार से उन लोगों का कृत्य रहेगा। बचपन में किसी गुरुजी के या किसी शिक्षक के द्वारा इस प्रकार का कृत्य सिखाना या खुद करवाना, ये तो दंडनीय अपराध है, क्योंकि बच्चे का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। उनको ये चीज़ उनको बांटा जा रहा है, एक धर्म को दूसरे धर्म के प्रति, तो ये तो बहुत दंडनीय अपराध होना चाहिए। शिक्षक को इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए और एक सीख देनी चाहिए बाकी शिक्षकों की, इस प्रकार के अगर कोई गलती करता है तो क्या उसका असर हो सकता है। घटना हुई है, आपने भी देखा होगा, सुना होगा, इस घटना को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया आपकी, आम जनता के तौर पर आप कैसे देखते हैं इस घटना का? निश्चित रूप से मुजफ्फरनगर की घटना बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक है। गुरु की महिमा जो है भगवान से कहीं ऊपर रखा गया है और भगवान को हम प्राप्त करते गुरु के माध्यम से, पर आजकल जिस ढंग से एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है समाज में, देश के अंदर, उसका दुष्परिणाम मुजफ्फरनगर की वह घटना है। और मैं चाहता हूँ कैसे जो शिक्षक की कार में, शिक्षक के रूप में जो एक गलत काम कर रहे हैं, बच्चों के साथ भेदभाव के काम कर रहे हैं, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इससे देश टूटेगा। छोटे छोटे बच्चों की शिक्षा में प्रॉब्लम आएगी, एक वर्ग अनपढ़ हो जाएगा और वो मुख्य धारा से भी कट जाएगा, तो इसके बहुत सारे दुष्परिणाम हैं। मैं आपके माध्यम से चाहूँगा उन लोगों को सद्बुद्धि दे जो एक एजेंडा के तहत इस देश को बांटने का प्रयास कर रहे हैं, इस देश की अखंडता को खराब को ख़त्म करने के प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि भारत एक समभाव वाला देश है जहां पर सभी धर्म संप्रदाय के लोग भाईचारा के माध्यम से रहते हैं और निश्चित रूप से उस शिक्षक के ऊपर बड़ी से बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पर कार्रवाई की मांग है। आप किस तरह से देखते हैं पूरे घटनाक्रम को, क्या कुछ प्रतिक्रिया आपकी? कल मैंने देखा टीवी के माध्यम से, ये बहुत निंदनीय घटना है।
शिक्षा के मंदिर में इस टाइप के किसी जाति धर्म को लेकर नफरत की चपेट में लाना, जिस प्रकार पूरे देश में माहौल चल रहा है, अब स्कूल भी नहीं बच रहे हैं, ये निंदनीय है। और प्रशासन और सक्षम अधिकारियों को इस पे कार्रवाई करनी चाहिए और ये घोर निंदनीय कार्य है। बिल्कुल, तो यहाँ पर आपने बिलासपुर की जनता को सुना, इनकी प्रतिक्रियाओं को सुना, हर कोई इस घटना की निंदा कर रहा है और अखंड भारत की संकल्पना जब हम करते हैं तो ऐसी घटनाएं इसमें स्वीकार्य नहीं है। कैमरामैन सतीश मिश्रा के साथ जितेंद्र थवाइत, IBC 24, बिलासपुर।